कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे खास तौर से कृषि बाजार में गेहूं के बारे में, जानेंगे गेहूं में किस तरह की कीमत देखी जा रही है, गेहूं को लेकर बाजारों में किस तरह का कारोबार देखा जा रहा है, क्योंकि गेहूं में बीते दिनों काफी गिरावट के साथ भी कारोबार देखा गया। लगभग 500 से लेकर 600 रुपए तक की नरमी आई गेहूं की कीमतों में, जिसकी वजह से जो रेट 3000 से लेकर 3200 के बीच पहुंच चुका था, वहां से बाजारों में गिरावट आने के बाद 2300 से लेकर 2500 के बीच का लेवल गेहूं की कीमतों में पहुंच चुका है। उसको देखते हुए आज की कीमतों के बारे में बात करते हैं। तो बाजारों में 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक बाजारों में तेज दाम देखे गए हैं आज, जिसकी वजह से दिल्ली में लॉरेंस मंडी में आज मध्य प्रदेश गेहूं के दाम 30 से लेकर 2350 के बीच, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गेहूं के दाम 2370 से लेकर 2380 के बीच बाजारों में देखे जा रहे हैं, और ये प्रति क्विंटल के दाम है। दैनिक आवक बाजारों में 3000 से 5000 बोरियों की हुई है। व्यापारी मान रहे हैं कि मिलों की मांग में सुधार तो देखा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी के आसार नहीं है, और उत्पादक राज्यों में मौसम साफ है। इसी वजह से आने वाले दिनों में नई गेहूं की जो फसल है उसकी जो आवक है उसकी वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्पादक मंडियों में इसकी आवक बढ़ेगी, और आने वाले टाइम पे होली का त्यौहार भी आने वाला है अगले महीने मार्च के महीने में, और त्योहारी सीजन भी है, शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो उस वजह से अगर देखा जाए तो बाजारों में डिमांड आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से बाजारों में जो गिरावट देखी गई थी उस पर आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी का अनुमान नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार कदम उठा रही है कि गेहूं आम जनता के लिए बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। 2300 से 3000 से लेकर 3500 के बीच जिसका रेट पहुंच चुका था, वहां इसके दाम बाजारों में नीचे होने चाहिए। तो अगर सरकार का इस तरह से प्रेशर बना रहता है तो आपको बाजारों में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि डिमांड को देखते हुए सुधार तो आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी नहीं है। अगर मांग में सुधार आता है तो थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का बाजारों में आपको बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिलेगा, लेकिन सरकार के द्वारा बनाए गए प्रेशर के वजह से बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान फिलहाल के लिए गेहूं के बाजार में नहीं है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए, और कृषि बाजार जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।